कंट्रीब्यूशन से एक्सीडेंट करेंगे उनके आलू को, तो ये सबके घर में लगता है, तो बहुत ईजी है। लेकिन जो न्यू लर्नर है उनकी बरमाइश पे बल्कि से आप अपने घर में ध्यान हार लेंगे। लेकिन हमेशा कितना आप फेस को शुरू करने से पहले अच्छी बात शेयर करूँगी, बदजुबानी और बदगुमानी तो ऐसे फेल हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाब में बदल देते हैं। तो प्लीज कोशिश करिए अपना अपने साथ आए लोगों का ख्याल रखें। बढ़ते हैं मजे से डिशर आलू गोश्त की। इसके लिए आलू गोश्त के लिए ऑफकोर्स जो मैं चीज है गोश्त, जो कि मैंने चाप का गोश्त लिया, आप किसी किस्म का भी गोश्त कोई नहीं इससे कर सकते हैं। सिर्फ इसी रेसिपी से आप मचन का भी आलू गोश्त बना सकते हैं। गोश्त जो है वो अक्सर चाप का ही बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आप जूनी चाप ही आप कोई भी अच्छा जो आपको लगता है गोश्त उसका भी आलू गोश्त बना सकते हैं। टमाटर लिए एक लार्ज साइज का, इसको मैंने छिलके उतार के इसको मैंने काट लिए। प्याज है मेरे पास, मैंने हाफ अनियन था जिसको मैंने काट के रख लिया है। अब स्पाइसेस बहुत इजी है, सुरख मिर्च है एक टी स्पून भर के आप अपनी मर्जी ले सकते हैं, दो टेबलस्पून लहसुन अदरक है मेरे पास, लहसुन अदरक का पेस्ट, एक टेबलस्पून मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, एक टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी है। हल्दी अपने खानों में मैंने पहले भी कहा था ज़रूर डाला करें, ज़रूर थोड़ा ज़्यादा कोशिश करके डाला करें, हल्दी हमारे जॉइंट की पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। और सफ़ेद जीरा है इसमें एक टेबल स्पून भर के, सॉल्ट आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। इतनी सी चीज़ें हैं जनाब, और इसी चीज़ों से हमारा मज़े का आलू गोश्त रेडी हो जाएगा। इसमें जो घी है वो तकरीबन मैं हाफ कप से भी कम ऑयल यूज़ करी, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपको कम ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जो है हम बढ़ते हैं मज़े के ट्रेडिशनल स्टाइल के आलू गोश्त की तरह। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप इसको देखती में भी बना सकते हैं, लेकिन देखती में ये कि थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्पेशल उन बच्चियों के लिए जो बिल्कुल अभी नई नई कुकिंग सीखना चाह रही हैं, कुकिंग में आई किचन में आई हैं, उनके लिए बहुत झटपट से बहुत आसान आलू गोश्त सबके घर में बनाया जाता है, कोई इसमें स्पेशल रेसिपी नहीं है। देखिए मैंने गोश्त डाल दिया, साथ ही इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया, टमाटर भी ऐड कर दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट, अब हम इसमें स्पाइसी डालेंगे, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला और हल्दी, सफ़ेद जीरा मेरा फेवरेट, मैं तो मुझे बहुत पसंद है खानों में, नमक इसमें चला गया, ये चली गई सूर्ख मिर्च, इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूंगी तकरीबन एक कप। मैं आपको बताती हूँ पानी की आपकी रेशो कितनी रखनी है, इसको हम हल्के से ही डालेंगे तो क्योंकि चाप का गोश्त है जल्दी गल जाएगा, तो इसको हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, और साथ ही इसके अंदर मैं ऑयल शामिल कर दूँगी, साथ ही इसमें ऑयल चला गया, थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड करेंगे, उसको प्रेशर कुकर में प्रेशर के लगा दी, थोड़ा सा इसमें मैं पानी और ऐड करूँगी। अब आप देख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा पानी है हमारे ना बहुत कम, ठीक है। लीजिए ना ये लीजिए, इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक, जब हमारी इसकी जब प्रेशर कुकर की सीटी चलनी शुरू हो जाएगी उस वक्त से फिर हम टाइम दे देंगे 5 मिनट, जैसे ही हो जाएंगे। हर किसी के प्रेशर कुकर का अपना टाइमिंग होती है, मेरा जो है मेरा 5 मिनट सेट हुआ है, तो जैसे ही होगा इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। बिल्कुल 5 मिनट का मतलब 5 मिनट में नहीं जाना आपने कि मैंने 5 मिनट कहा है, तो आप अपने अपने कुकर का सबको आइडिया होता है के कितना चलाना है आपको, ठीक है। सीक्रेट है कि मेरी माँ जब भी स्पेशल गोश्त बनाती है तो वो साबुत मिर्चें जो है ना लाजमी फेंकती हैं, वो कहती हैं इनकी अपनी खुशबू आती है खाने में से। आपकी मर्जी है, आप ज़रूर डालें और मुझे ज़रूर बताएं किससे क्या फ़र्क लगा आपको। देखिए अभी ऑयल बाहर नहीं खिला आया, ये अभी भुनेगा, फ्लेम मैंने अपना यहाँ पर हाई कर दिया ताकि हमारा ये जो गोश्त है कैसे भुन जाए और ऑयल बाहर आ जाए, इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, गोश्त हमारा बहुत अच्छा चल गया। लेकिन आपने जब भी इसमें डोई मानी बहुत आराम से मानी कि गोश्त आपका टूटे नहीं, ये भी बात का ध्यान रखते हैं बच्चों। आपने देखिए ऑयल बहुत अच्छी तरह से बाहर आ चुका है, अब इस स्टेज पे इसके अंदर मैं आलू शामिल कर दूंगी, इनको हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि हमारे जो आलू है उसके अंदर अच्छे से हमारा मसाला चला जाए। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम दोबारा से प्रेशर पर लगा देंगे, इसको मैं 2 से 3 मिनट पकाने के बाद दोबारा से प्रेशर कुकर बंद करूंगी और आपको दिखाती हूँ इसकी मजे के पानी में। ये देखिए इसमें मैंने इतना पानी डाला है कि जो जितना मुझे शोरबा हमें ना बहुत पतला चाहिए ना हमें बहुत गाढ़ा चाहिए, वैसे तो तंदूर की रोटी के साथ तो पतला पतला शोरबा आलू गोश्त का एक अपना ही मज़ा है, लेकिन हमें यहाँ तंदूर की रोटियाँ तो अवेलेबल नहीं है, हम घर की बनाएंगे, तो इसको हम प्रेशर लगाते हैं और आपको उसकी फाइनल मजे की रोटी खाते हैं। ले जनाब हमारे मज़े का झटपट सा बिल्कुल देसी स्टाइल का आलू गोश्त रेडी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी, जब तक धनिया ना हो किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं आता। और आपको मैं बहुत जल्दी गरम मसाला सिखाऊंगी, बहुत इजी क्विक क्विक घर का पिसा हुआ, इसके ऊपर मैंने वो थोड़ा सा डाल दिया है। ले जो इतनी इस गरम मसाले की खुशबू का मज़ा ही अपना है,
ले जनाब हमारा मजे का आलू गोश्त रेडी है। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे भी दुआ में याद रखें।